Queen Simple Unique Recipes Cooking Secrets welcomes you. Subscribe हमारा चैनल कीजिए एक ही बार. Subscribed ग्रे हो जाए रेड से तो सब्सक्राइब करने के लिए फिर से जरूरत नहीं है. हमारा बेल आइकन दबाइए, डेली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाइए, कभी भी मिस नहीं कीजिए. प्लेलिस्ट हमारे चेक कीजिए, नॉन वेज, वेज, फिश, ब्रेकफास्ट और बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ही तो रखे हैं हमने. हमारे सारे वीडियोस चेक कीजिए, जो मन आप क्लिक कीजिए और हमारे वीडियोस को एक बड़ा सा लाइक दीजिए. उसके बाद हमारे इस वीडियोस को देखने के बाद, इनकी डिस्क्रिप्शंस पढ़ने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, फेसबुक में और बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में. फिर कुछ मीठे से यादें, मीठे से हमसे रेसिपीज या कुछ टिप्स या कुछ आपकी क्वेरीज हो हमें ज़रूर लिखें. हम आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं. नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज मैं बनाऊंगी आम पायस या पायसम या खीर, कुछ भी बोलिए. तो इसके लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया. फुल क्रीम मिल्क लीजिए, ये तो कभी कभार हम लोग बनाते, रोज रोज नहीं बनाते. और थोड़ी सी बासमती राइस लिया मैंने. देखिए तो कम ज़्यादा आप इसका चावल कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो. कम देने से खाने में अच्छा लगता है. और मैं इसको चीनी से नहीं बनाऊँगी, मैं बताशा से बनाऊंगी, क्योंकि बताशा का अलग एक एरोमा है. और मैंगो पल्प मैंने निकल के रखा. दशहरी आम का ही कीजिएगा. अगर वेस्ट बंगाल में आप हो तो हिमसागर आम से कीजिएगा, लेकिन बिना मीठा का आम से ये नहीं होगा. मीठा वाला आम चाहिए, ये देख लीजिए, नहीं तो दूध है ना, फट जाने का संभावना होगा. तो अभी मैं दूध उबलने के लिए बिठा देती हूँ. दूध में उबल आ गया, आप लोग देख रहे हो. तो ये चावल थोड़ा भिगो कर रखिएगा, कम से कम आधा घंटा, ठीक है? तो खिला खिला भी होगा, अच्छा लगेगा, पकेगा अच्छी तरह से, अंदर से भी पकेगा, बाहर से भी पकेगा. तो अभी इसको उबलने दीजिए, थोड़ा धीमा कर दीजिएगा, बीच बीच में चलाते रहिए. अभी इंडक्शन हो, गैस हो, धीमा कर दीजिए. देखिए बीच में 4-5 बार मैंने चलाया और इंडक्शन धीमा कर दिया. देखिए ये चावल जैसे क्रैक हो गया, ज़्यादा क्रैक करिएगा, क्योंकि चीनी देने के बाद ये थोड़ा सख्त हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, ये इसका धर्म है. तो यहाँ तक करिए, ठीक है? बासमती राइस लीजिए, खुशबू अच्छा आएगा. तो कितना चीनी दोगे या मीठा दोगे ये आपके ऊपर है. मैंने इतना लिया, मैं देख के देख लेती हूँ कितना चाहिए. थोड़ा सा रख दिया मैं. बताशे से करिए, इसका एक एरोमा होता है, बहुत बढ़िया लगता है. देखिए ये बन गया, 35 मिनट्स to 40 मिनट्स में ये बन गया, तैयार हो गया. अभी मैं बंद कर दूँगी. और ये जो मैंने मैंगो रखा, ये कूल होने के बाद मैं दूँगी. ये जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद देना, फिर मिला के फ्रिज में रखना. बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद मिलाना. ये खीर ठंडा हो गया, अभी इसको मिला दीजिए ठंडा करने के बाद. और मैं बोल देती हूँ, एक छोटी सी कटोरी में पहले 2 चम्मच खीर लेके और ये आम का पल्प लेके एक बार मिला के देख लीजिएगा. हो सकता है कभी कभार खट्टा होता है, मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था, तो छेना बन जाएगा. तो एक्सपेरिमेंट करके मिलाइएगा, जितना आम आप दोगे उतना स्वादिष्ट बनेगा. ज़्यादा मैंने ज़्यादा नहीं दिया, ज़्यादा मुझे पर्सनली पसंद नहीं है. व्यूअर्स देखिए, मैंने 3 कटोरी में सर्व कर दिया. अलग अलग डिज़ाइन बनाया जो मेरे से हुआ. आप लोग जैसा डिज़ाइन बनाना चाहते हो सर्व करने के समय गेस्ट लोगों को दे सकते हो. लेकिन ख्याल रखना, ये कैलोरी से भरपूर डेजर्ट है, रोज़ रोज नहीं. और खाइए, कम ही खाइए. मैंगो भी कैलोरी है, चीनी काफ़ी सारा है, दूध है, तो कभी कभार खाया जा सकता है, बहुत स्वादिष्ट होता है. और मैंगो आपके ऊपर है, आप जितना ज़्यादा कम दे चाहते हो, देना चाहते हो देना. तो फ्रेंड्स, आप लोग जरूर बनाइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को कैसा लगा. और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. धन्यवाद.